फ्रेंड्स स्वागत है आपका रुसु फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स बताइए आप सब कैसे हो, आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज है मकर संक्रांति, आज है 15 जनवरी और मकर संक्रांति, तो सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। तो अभी हमारा सब काम हो चुका है और हम जा रहे हैं रेडी होके मंदिर। तो सब रेडी हो गए, बच्चे शूज पहन रहे हैं। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, देखती हूँ मंदिर में जाके ब्लॉग बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, कोशिश करूंगी। बेटा ये सूट डाला है नॉर्मल सा मैंने, पैंट और ऊपर से स्वेटर, क्योंकि ठंड है ऑब्वियसली। हम बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी नहीं ले जा रहे हैं बड़ी गाड़ी, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो बड़ी गाड़ी का जगह नहीं रहती है वहाँ पे निकलने की कभी कभी, तो हम जा रहे हैं बाइक से। तो चलो जंगल में आए हैं, मंदिर है जंगल। वो मंदिर है क्या? वो मंदिर है ना, अबे पहुंचने वाले हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं और अभी हम बैठे हैं धूप में यहीं पे, बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठ के। तो बच्चे खेल रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी जगह है यहाँ पर, लोग देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं, बहुत अच्छा। बस तो अब मंदिर के बाद आ गए हैं, यही नदी, मंदिर के पास में ही नदी है, तो बस नदी किनारे आ गए हैं। थोड़ी देर यहीं खड़े रहेंगे, एक दो पिक ली है बच्चों की और बस यहीं खड़े हैं, देख रहे हैं पानी में। और जैसे बारिश के टाइम पे नदी भरी रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी तो थोड़ी नदी खाली है पर फिर भी अच्छा लगता है। इधर धूप थी तो धूप में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए पानी में मैं सांप दिखा रही हूँ आपको, उसी टाइम हम खड़े थे तब सांप दिखा, बच्चे देख रहे थे, मैंने सोचा चलो इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। बस इसके बाद हम निकल जाएंगे घर और फिर मिलते हैं। हाय, तो हम आ गए हैं मार्केट से, मतलब मंदिर गए थे, मंदिर से भी आ गए हैं, मार्केट गए थे तो मार्केट से भी आ गए हैं। मैंने मार्केट का रिकॉर्ड नहीं किया है, मंदिर का रिकॉर्ड किया था बस। तो मुझे मार्केट में भी कुछ काम था, तो वो भी कुछ सामान भी लाना था, मेरा गैस चूल्हा खराब हो रहा था तो मैंने उसको भी ठीक करवा के लाई हूँ। बस सब हो गया है, अभी शाम के 5 बज गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है हल्की हल्की सी, कुछ शाम की रहती है। तो देखा पालक में फ्रिज रख फ्रिज में पालक रख दिया है और अभी मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, तो तेल बहुत टक 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 कर रहा है। देखते हैं मैं बनाती हूँ पकौड़े और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो
ये देखिए, ये वाला मेरा जो छोटा वाला बर्नर है गैस का, ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, बिल्कुल इतना हल्का हल्का सा चल रहा था बस, उसमें कुछ भी नहीं होता था। ये वाला देखो कितना फुल हो गया है बहुत जोर से, ये भी बहुत कम चलता था और इसको ऐसे बंद करते मतलब कम करते सिम पे करते थे तो ये बंद ही हो जाता था बिल्कुल, सिम पे अपन कर ही नहीं पाते, जैसे सिम पे किया तो वो एकदम से बंद हो जाता था। उसको भी ठीक करवा के लाई हूँ, ये कितना अच्छे से चलने लग गया, और ये वाला मेरा बिल्कुल चल ही नहीं रहा था, तो ये भी देखो ये बहुत अच्छे से चलने लग गया, काफी दिनों बाद चल रहा है, क्योंकि एक पे कुछ काम हो नहीं पाता था, वो भी फुल नहीं चलता था। तो मैंने आज तो ठान लिया था कि आज मैं गैस चूल्हा ठीक करवा के लाऊंगी, ये भी नए लगवाए हैं क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना चूल्हा, वो भी खराब हो रही थी। तो चलो पकौड़े का घोल भी मैंने रेडी कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं वो आप, तो मैं पकौड़े तलती हूँ उसके बाद आपसे मिलती। तो यहाँ पर पकौड़े तला रहे हैं, इसके बाद मैं इन लोगों को दे के आऊँगी, बच्चों को और इनको, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। बाय।